आदाब नमस्कार मैं हूँ खुर्शीद खां उर्दू अदब चैनल से आज आपके लिए बड़े ख़ास खास, -खास सवाल लेकर हाज़िर हुआ हूँ मानू के जो एम ए उर्दू के स्टूडेंट हैं वो लाजमी देखें और एम ए उर्दू के जितने भी तलबा हैं इस वीडियो को हर हालत में देखें जब पी एच डी में है या आप नेट का इम्तान दे रहे हैं या किसी और इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं जैसे बी ए है पी एच डी है तो आपके लिए भी बड़ी अहम है आइए सबसे पहला सवाल शुरू करते हैं दोस्तों सवाल शुरू करने से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरी वीडियो को देखते हैं लाइक करते हैं शेयर करते हैं इसके लिए मैं आपका तहे दिल से ममनून ममनू मशहूर हूँ और, और कमेंट भी लिखते हैं दोस्तों आपके कमेंट मेरे लिए बड़े अहमियत के हामिल होते हैं इसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रगुजार गुजार हूँ तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल है मसनवी शहर सूरत यह सूरत है ठीक है रे रह गया है इसमें किसकी की तख्लीक है तो अहमद गुजराती की इस राज की है ग्बासी की है या वली दक्नी की तो ये है वली दक्कनी की है ठीक है वली दक्नी की है और वली दक्कनी के बारे में आपको बता दूँ थोड़ा सा मुख्तर कि वली दक्कनी ने सिर्फ़ दो मसनवियाँ लिखी हैं दो मशनवियाँ लिखी हैं पहली मशनवी बग़ैरनवान की है इसके अशार की तादाद इकतीस है दूसरी मसनवी जिसका आपका शहर सूरत है इस मसनवी में सूरत की तारीफ़ की गई यानी सूरत शहर जो है उसकी तारीफ़ की गई है ये मसनवी सैंतालीस अशार पर मुश्तम है वली के दीवान का कलमी नुस्ख़ा जो हाथ का लिखा हुआ है वो पेरिस में मौजूद है वली का दीवान पहली मरतबा लंदन से शाये हुआ और वली के दीवान में दो मुख्तर मसनवियाँ हैं जो मैंने आपको बताई हैं वली सत्रह सौ उन्नीस में मसफ़ी के मुताबिक अपना दीवान दिल्ली लेकर आए यानी कि सत्रह सौ उन्नीस में मसहफी के मुताबिक वली का दीवान दिल्ली आया था वली के कल्यात में छः कसाइत हैं तमाम क़ाइत मजहबी हैं अहमद गुजराती की मसनवी लैला मजनू और यूसुफ जुलेखा है यूसुफ जुलेखा दबिस्तान गोलकुंडा की पहली मसनवी है जमील जालबी के मुताबिक बोस्तान खयालराज औरंगाबादी की है और औरंगादी और ने सात मसनवियाँ लिखी थी अब वासी रहते हैं तो गव्वासी ने मीना सतवंती मलूक व बद्यलजमाल सोलह सौ चौबीस में लिखी थी दूसरा सवाल इन में से मिर्जा अली लुफ़ का तस्करा कौन सा है तो मिर्ज़ा अली लुफ़ का जो तस्करा है वो है गुलशन हिंद यानी गुलशन हिंद के नाम से अठारह सौ एक में लिखा था कब लिखा था अट्ठारह सौ एक में लिखा था ये उर्दू ज़बान का पहला तस्करा है और उर्दू शरा पहला तस्करा मीर तकी मीर ने तस्करा निकातुल शरा के नाम से सत्रह सौ बावन में लिखा था जिसकी ज़बान फ़ारसी थी यानी कि फ़ारसी में लिखा था तबकातुल शौरा कुदरतुल्ला शौक ने लिखा है ये तस्करा सत्रह सौ चौहत्तर में लिखा है गुलशन बेखार अठारह सौ चौंतीस में मुस्तफ़ा ख़ास शेखता ने लिखा है गुलशन बेखार सुंदर लाल किस मशहूर अफसाने का किरदार है सुंदर लाल लाजवंती इस अफसाने का मशहूर किरदार है और सुंदर लाल की ये बीवी है लाजवंती जो पाकिस्तान में रह जाती है बंटवारे के बाद और सुंदर लाल इसको लाने की बहुत कोशिश करता है और इसमें कामयाब भी होता है और ले आता है और इसने लाजवंती को देवी का दर्जा दिया है हतक जो है ये मंटो का लिखा हुआ अफसाना है ठंडा गोश्त भी मंटो का लिखा हुआ है माहरीन ने लसानियात ने हिंद आर्याई जबानों को कितने अदवार में तकसीम किया है तो वो तीन अदवार में तकसीम किया है पाँचवा सवाल है तस्वीर दर्द किस शायर की तख्लीक है तो तस्वीर दर्द अलामा इकबाल की लिखी हुई मशहूर नज़म है सही जोड़ की निशानदही कीजिए तो देखिए प्रेमचंद ने गदान लिखा बादसन लिखा तात शरीफ जो है ये मिर्ज़ा हादी रसवा का है और ये मैदान अमल जो है प्रेमचंद का है तो इसलिए ये जोड़ गलत है इसी तरह ये भी जोड़ गलत है ये सी वाला सही है क़ुरत हैदर ने आग का दरिया लिखा क़ार जहाँ दराज लिखा चांदनी बेगम लिखा गर्दश रंगे चमन ये सब बिल्कुल सही है तो सी वाला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है ले सांस भी आहिस्ा के नाजुक है बहुत काम ये मिसरा किसका है तो ये मिसरा है मीर तकी मीर का है इसका है मीर तकी मीर का है मीर तकी मीर को दिल्ली का दबिस्तान शायर और लखनऊ का दबिस्तान शायर दोनों में शुमार किया जाता है हयात जावेद किसकी हालत ज़िंदगी पर मबनी है तो ये सर सैद अहमद ख़ा की है और इसके मुसन्फ़ हैं हयात है जावेद लिखी किसने अगर ये पूछ लिया जाए तो ये है अलताफ़ हुसैन हाली ने मीर और सौदा कहाँ मदफ़ून है मीर और सौदा कहाँ मदफ़ून है तो लखनऊ में कौन सा मजमू कलाम इकबाल का नहीं है देखिए बागे दराा इकबाल का पहला मजमू है और बाल जबरीर भी इकबाल का है ज़रब कलीम भी है और अरमवार ने हिजाज नहीं दिया है वो भी ए, उनका है लेकिन ये नहीं है ठीक है ये इकबाल का लिखा हुआ नहीं है जुनून व हमत दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसकी तसनीफ़ है नूरुल हसन हाशमी की है लखनऊ का दबिस्तान शार अबुल्ला सद्दीकी की लिखी हुई है इन में कौन सा अफसाना मजमू प्रेम चंद का नहीं है देखिए वारदात भी प्रेम चंद का है आखिरी तोहफा भी प्रेम चंद का है ज़ादेरा रावी प्रेम चंद का है नज़ारे ये इनके मजमू नहीं है दिल्ली में सादुल्ला गुलशन से किस दक्नी शायर ने मुलाकात की थी दिल्ली में तो इसका आपको सही जवाब है दोस्तों वली दक्नी यानी कि वली दनी जब दिल्ली आए थे तो सादुल्ला गुलशन से मुलाकात हुई थी और जहाँ यह भी बता दें कि वली दक्नी का दीवान जब दिल्ली आया था तो उनके आने से यानी कि उनके दीवान आने से दिल्ली में उर्दू शायरी शुरू हो गई इस इससे पहले फ़ारसी में शायरी हुआ करती थी इनका बहुत मशहूर शेर है मुफलसी सब बहार खोती है मर्द का एतबार खोती है इनमें मगरबी हिंदी की बोली कौन सी है तो सही जवाब है हरानी हरियाणी ये जो है मगरबी हिंदी की बोली है दास्तान के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है दास्तान के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है तो ये शी वाला दुरुस्त है दास्तान में फितरत अनासर से भी मदद दी जाती है अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है तो सही जवाब है उन्नीसवीं सदी की उन्नीसवीं सदी की है ज़िंदगी के मोड़ पर किसका मशहूर अफसाना है प्रेमचंद कृष्णचंद राजेंद्र सिंह या इश्मत चौताई तो ये सही जवाब है कृष्णचंद्र हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक के पहले इजलास का खुतबा किसने दिया था आपको मालूम होगा ये प्रेमचंद ने दिया था किसने दिया था प्रेमचंद ने दिया था और इसी में कहा था प्रेमचंद ने कि हमें अपना हुसन का मैार बदलना होगा लाजवंती किस का मशहूर अफसाना है लाजवंती अभी अभी आपने देखा था ठीक है लाजवंती यानी कि सुंदर लाल और लाजवंती लाजवंती हीरोइन है सुंदर लाल जो हीरो है और ये बेदी का लिखा हुआ अफसाना है जो बंटवारे के बाद जो हालात बिगड़े हैं तो उस मंजर पर ये लाजवंती अफसाना लिखा गया है दोस्तों ये थे इसमें बड़े अहम सवाल ये वीडियो आपको कैसी लगी ये सवालत आपको कैसे लगे अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजिएगा इन मैं जल्द से जल्द आपके लिए एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अल्लाह अल्लाफ़